नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वी नेचुरल चैनल पर। दोस्तों, मनोकामना पूर्ति करने के लिए आज मैं आप लोगों को एक और टोटका बताने वाली हूँ। वैसे भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी कई सारे वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड डले हुए हैं, जिन्हें अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी। मनोकामना पूर्ति के कई सारे टोटके, कई सारे उपाय मैं आपको बता चुकी हूँ। इस श्रेणी में आज एक और टोटका मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो क्या है वो टोटका, चलिए आपको मैं बताती हूँ। मगर उससे पहले आपसे निवेदन करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के कई सारे हेल्पफुल वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें, आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इस टोटके के लिए आपको ले लेना है एक लाल धागा, जिसे लच्छा कहा जाता है, जिसे हाथ में बांधने वाला धागा होता है, वैसा आपको लाल धागा ले लेना है। इस लाल धागे को लेकर आपको किसी भी गजानन के मंदिर, गणेश जी के मंदिर में जाना है, ठीक है। वहां मंदिर में आप इस लाल धागे को ले जाए। ये लाल धागे की मदद से हमको इस टोटके को करना है। लाल धागा आपने देखा होगा, जनरली ये वाला जो लच्छा होता है ये आपको लेना है। अब ये धागा आपको इतना लेना है कि एक आपके हाथ पे भी बन जाए एक धागा, और एक धागा आपको मंदिर में ही बांध के आना है। मंदिर में कैसे बांध के आना है, आप अपने घर से साथ में लच्छा ले जाएं। आपको मंदिर में जहां पर भी देखा होगा, आपने कई मंदिरों में बंधे हुए रहते हैं धागे, तो किस तरह से एक लाल धागे को आपको इस मंदिर में बांधना है ये मैं बता रही हूँ। आपको एक मंत्र का जाप करना है, वो है ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। और जाप करते समय आपको बिल्कुल एक शांत चित्त से, एक जो खुशी वाला अंदर से आता है ना फीलिंग, वैसा वाला बिल्कुल खुश होकर और इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करने के बाद में आपको गणेश जी से अपनी मनोकामना कहनी है। मनोकामना कहने के बाद में ये जो हमारा लाल लच्छा है, इसको को उस मंदिर में बांध देना है। जिस भी जगह पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर बांध सकते हैं, वहीं पर आपको बांध देना है। बांधते समय आपको गजानन से कहना है कि ये जब मैं लच्छा बांध रही हूँ, आपको ये जो मैं लच्छा बांध रही हूँ या बांध रहा हूँ, ये अपनी इस मनोकामना के लिए बांध रहा हूँ। जो भी आपकी मनोकामना हो वो कहें। अब जब मेरी मनोकामना ये पूर्ण हो जाएगी, तब ही मैं आकर इस लच्छे को खोलूंगी या खोलूंगा, ठीक है। ऐसा आप करके उसे बांध दे, और इस तरह से बांधे कि आपको याद रहे कि आपने कैसा बांधा था और कौन सा लच्छा बांधा था। चाहे तो उसके साथ में कुछ निशानी लगा दे या इस तरह से, ताकि आपको यह ध्यान रहे, क्योंकि जब मनोकामना पूरी हो जाएगी तब हमें इस लच्छे को आकर खोलना है, ठीक है। तो इस तरह से इसे बांध दे। अब साथ में आपके जो दूसरा लच्छा है, जो आपने अपने लिए रखा है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था आपको इतना लच्छा लेना है कि एक लच्छा तो वहां पर बांधना है और एक लच्छा आपको अपने लिए रखना है हाथ पर बांधने के लिए। तो वो जो हाथ पर बांधने वाला लच्छा है, उसमें आपको 11 गठाने लगानी है। और 11 गठान लगाते समय, ठीक है, उसमें दूरी दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको 11 गठान लगानी है। और 11 ही गठान लगाते लगाते एक गठान लगाएंगे, अपनी मनोकामना बोलेंगे, दूसरी गठान लगाएंगे, अपनी मनोकामना बोलेंगे, तीसरी गठान लगाएंगे, मनोकामना बोलेंगे। ऐसे 11 ही गठान बांधते समय आपको अपनी मनोकामना कहना है। अब मनोकामना कैसे कहना है, वही जैसे मैंने पहले बताया कि हे गजानन गणपति महाराज, मैं अपनी जो मनोकामना है, जो भी मनोकामना है वो कहें, इसलिए इस लच्छे पर गठान बांध रही हूँ या बांध रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कहते कहते आपको 11 गठान बांध लेनी है और फिर इस लच्छे को उस मंदिर में ही अपने हाथ पर बांध देना है, ठीक है। और बांधते समय, हाथ पर बांधते समय भी आपको कहना है कि अब ये लच्छा मैं तभी खोलूंगी या तभी निकालूंगी जब मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा कह के आप मंदिर से चले आए, आप नमन करके आप चाहे तो प्रसाद भी चढ़ा दें और फिर चले आए। आप खुद देखेंगे जल्द से जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वैसे तो इस टोटके से देखा गया है कि 11 ही दिन में, हमने यहाँ 11 गठान बांधी है, 11 ही दिन में मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप भी इसे करें और फिर आप खुद चमत्कार देखिए। मैंने भी रिसेंट में अपने हाथ में लच्छा बांध रखा है 11 गठान बांध के, तो मैं भी इंतजार में हूँ कि मेरी मनोकामना जैसे ही पूरी होगी मैं भी आपको बताऊंगी। तो आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।